भेड़ी कला, ग्राम भेड़ी कला दोस्तों, ये है ग्राम भेड़ी कला। ग्राम भेड़ी कला ये है ग्राम भेड़ी कला। यह ग्राम भेड़ी कला ग्राम भेड़ी कला यह है ग्राम भेड़ी कला। यह है ग्राम भेड़ी कला। आगे से हमको दाएं हिस्से, दाएं साइड घूमना है दोस्तों। आगे से हमको दाएं साइड घूमना है, यहीं से घूमना है दोस्तों हमको, भेड़ी कला से। यह ग्राम पंचायत भेड़ी कला। तो डाला हाथ पर सब चीज। ग्राम पंचायत भेड़ी कला, ड्राइवर कंफ्यूज आ रहा है, कुछ नहीं है। यह ग्राम पंचायत भेड़ी कला से, ये लगता है आउटर रोड है दोस्तों, कोई नया रोड दे दिया हमको शहर के सिटी से बचाव करने के लिए। और आगे चल रहा है बड़े बाबू वाला गाड़ी CG 08। ये आपका रेलवे लाइन दिखा रहा है दोस्तों, ये आपका मुंबई हावड़ा लाइन, वही लगता है दोस्तों। ये दो लाइन दिख रहा है यहाँ पे, अंडर पास है यहाँ पे रोड। तीन पटरी है दोस्तों, हाँ यही है परमानेंट। आपका रायपुर वाला रोड है ना, रायपुर से नागपुर रोड, यही है 100% रोड, यही है दोस्तों। ये कौन सा गांव है दोस्तों, अचानकपुर भाटापारा, ग्राम अचानकपुर भाटापारा पहुंचे दोस्तों हम लोग, अंडर ब्रिज पार करके रेलवे का। आपका रायपुर, रायपुर नागपुर रेलवे लाइन को क्रॉस करके हम लोग अचानकपुर भाटापारा से जा रहे हैं आगे। नांदगांव स्किप कर दिए दोस्तों, अचानकपुर भाटापारा के बाद एक नाला है। और ये कौन सा गांव है दोस्तों आपका, ये अचानकपुर है दोस्तों, जिला राज, पता नहीं क्या जिला राज लिखा है, हाँ नांदगांव जिला, जिला राजनांदगांव, ये अचानकपुर गांव। विकासखंड है आपका, कौन है विकासखंड है, विकासखंड और जिला दोनों एक ही है, राजनांदगांव। परमाल, परमाल कसा, प्राथमिक शाला परमाल कसा, कितना जल्दी परमाल कसा भी आ गया देखा, अचानकपुर के बाद परमाल कसा, प्राथमिक शाला परमाल कसा भी आ गया। कहाँ से घुमा कर ले जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है दोस्तों रास्ता,
किधर से घुमा के ले जा रहा है हमको, कहाँ ले जा रहा है हमको समझ नहीं आ रहा मैप। हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए था सिटी रोड, फालतू फालतू घूम गए हम लोग। अब भी एक घंटा 11 मिनट दिखा रहा है और रहने के लिए 49 मिनट दूर है बस, केवल गांव का रास्ता ही दिखा रहा है ऐसा लगता है। यहाँ पर आता है लगता है सतनाम मंगल भवन परमाल कसा, परमाल कसा ग्राम, परमाल कसा। जिला तहसील राजनांदगांव, ग्राम पंचायत अचानकपुर भाटापारा, आश्रित ग्राम पर अल्लकसा। आपका हार्दिक स्वागत करता है का थे सत्यानाश सिराई बोल रहा है। कहाँ से घुमा रहा है गाड़ी समझ नहीं आ रहा है मुझको, तो कहाँ ले जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है मुझको। NH6 4 किलोमीटर दूर यहाँ से, नेशनल हाईवे 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, फिर से NH6 में घुसेंगे आपका। परमाल कसा आश्रित ग्राम अचानकपुर गांव पंचायत, ग्राम परमाल कसा के बाद नेक्स्ट गांव कौन सा है दोस्तों? परमाल कसा के बाद ग्राम परमाल कसा के बाद गड्ढा में घुसा रहे वहां दुकान का नाम है क्या अजीब से, क्या है यार, ककरेल, ग्राम ककरेल, जिला विकास खंड राजनांदगांव, ग्राम ककरेल। अभी ग्राम ककरेल पार किए दोस्तों, अब यहां से कट रहे हैं दोस्तों NH के लिए, रास्ता कटा हुआ है NH5 के लिए। ककरेल ग्राम ककरेल के आगे कटते कड़ी है दोस्तों NH के लिए, नेशनल हाईवे के लिए रोड के लिए कड़ी है दोस्तों। साई स्टील आए, स्टील की जगह तो मुझको एग्रो लग रहा है वो। ये शॉर्ट का रास्ता है दोस्तों, आगे एक विमानतल दिखा रहा है ऐसा लगता है, एयरपोर्ट का निशान आ रहा है मेरे मैप में तो। ये कौन सा गांव है मुझको नहीं पता दोस्तों, मेरे मैप पे शो नहीं हो रहा है। NH6 यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, ये है ठेठका, है ठेका ठेठका है ऐसा लगता है, ठेठका ग्राम ठेठका ऐसे नहीं क्या देखा ऐसा कंफर्म नहीं हूँ मैं, ग्राम ठेठका। ग्राम ठेठका हाँ, नहीं नहीं ग्राम ठेकवा है दोस्तों, सॉरी ग्राम ठेकवा, ग्राम पंचायत ठेकवा ना कि ठेठवा, ग्राम पंचायत ठेकवा। ये आ गया दोस्तों NH6 नेशनल हाईवे 6 आ गया दोस्तों, ये राजनांदगांव सिटी घुसे बिना हमको निकल गए हम NH6 में, और हमको यहां से जाना है हमारे दाएं साइड ग्राम पंचायत खुटेरी। आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, उसमें उस रोड में जाना है हमको ग्राम पंचायत खुटेरी, ग्राम पंचायत खुटेरी जिला राजनांदगांव, ग्राम पंचायत खुटेरी जिला राजनांदगांव। हमारे राजनांदगांव शहर के बाहर से निकल गए दोस्तों लोग, NH6 से
क्रॉस किए NH6 से हम लोग क्रॉस करके अब आगे बढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत कुटेरी से रोड से। ये कोई पुराना बिल्डिंग रहा होगा, कोई कंपनी जजर हर पड़ा, मालिक दिवालिया होगा ऐसा लगता है, या मर गए दोनों से एक चीज हुआ होगा। राना गाँव का शायद गाड़ी कोड है, ट्रांसपोर्ट कोड है 08। यहाँ जो भी गाड़ी देख रहा हूँ उसमें 08 लिखा हुआ है, CG 08। अरे सही है, नहीं 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 गलत नहीं हो गया मैं। ग्राम खुटेरी से ग्राम पंचायत खुटेरी ग्राम पंचायत खुटेरी ग्राम सुरगी 9 मतलब लगभग 10 मिनट दूर है यहाँ से ग्राम सुरगी। ग्राम खुटेरी से हम निकल चुके हैं दोस्तों, NH6 से प्रेस किया था ग्राम खुटेरी में, ग्राम खुटेरी से निकल चुके हैं आगे। अब श्रीनाथ नदी पहल से पार करने वाले हैं दोस्तों हम, श्रीनाथ नदी नांदगांव जिला में एक बार धमधा में पार किए थे, अब ये नांदगांव जिला के में फिर से श्रीनाथ नदी हम क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। ये श्रीनाथ नदी आपके नांदगांव जिला में ये धान बोने की तैयारी चल रही है दोस्तों, पूरा मता मता रखा गया है पूरा खेत, कोई नया सड़क बन रहा है यहाँ पर साइड से। गुंडा देख ले हम सेट किए हैं दोस्तों मैप, गुंडा दही हम जा रहे हैं तो नांदगांव स्किप कर दिया, गुंडा दही के लिए हम निकल चुके हैं ग्राम पंचायत खुटेरी के आगे निकल के हम पहुंचे हैं श्रीनाथ नदी क्रॉस करके नेक्स्ट गांव। अब ये क्या है गांव सूरज के धूप में हमको दिख नहीं रहा है, भरगांव या भर्रे गांव, ग्राम पंचायत भर्रे गांव, विकासखंड राजनांदगांव जिला राजनांदगांव, ग्राम पंचायत भर्रे गांव। यह ग्राम पंचायत भर्रे गांव ग्राम पंचायत भर्रे गांव यह ग्राम पंचायत भर्रे गांव ग्राम पंचायत भर्रे गांव ग्राम पंचायत भर्रे गांव से हम निकल रहे हैं दोस्तों, लगभग ग्राम पंचायत भर्रे गांव से निकल ही रहे हैं और शायद निकल गए हैं।